कचित को सरप्राइज मिलेगा। मॉस्को में आतंकी हमला, 60 लोगों की मौत। इस्लामिक स्टेट ने जिम्मेदारी ली, 5 आतंकियों ने गोलियां चलाई, बम फेंके। रूस की राजधानी मॉस्को ने क्रोकस सिटी हॉल पर हुए बम आतंकी हमले पर मरने वाले लोगों की संख्या 60 हो गई। आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही, 100 लोगों से ज़्यादा लोग घायल हैं। हमला शुक्रवार यानी 22 मार्च को हुआ, इसकी जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट SIS ने ली है। सेना जैसी वर्दी पहने 5 आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई और बम फेंके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा, हम मॉस्को में हुए आतंकवादी हमले की निंदा करते हैं, हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। दुख की इसी घड़ी में भारत रूस की सरकार और लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। IS बोला, ईसाइयों की बड़ी सभा पर हमला किया। आतंकी संगठन IS ने अमाक न्यूज एजेंसी के जरिए बयान जारी किया, वहां इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों ने रूस की राजधानी मॉस्को के बाहरी इलाके स्नोग्रासक शहर में ईसाइयों की एक बड़ी सभा पर हमला किया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हो गए और उनके सुरक्षित रूस से अपने ठिकानों पर लौटने से पहले उस जगह पर भारी तबाही हुई। हमला करने के बाद हमारे लड़ाके मौके से भाग निकले। आतंकियों ने पकड़ जाने की खबर नहीं। रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने कहा कि धमाकों के कारण हॉल आग लग गई है। मौके पर पहुंचे स्पेशल फोर्स पुलिस दंगा रोधी टीमों ने बेसमेंट में फंसे 100 लोगों को रेस्क्यू किया। 70 से ज़्यादा एम्बुलेंस जरिए घायलों को अस्पताल ले जाया गया। स्पेशल फोर्स हाल में दाखिल हुई। किसी भी आतंकी के मारे जाने या पकड़े जाने की खबर नहीं है। वहीं पुलिस ने इस आतंकवादी हमले की जांच शुरू की है। रूस को यूक्रेन पर शक है। रूस के हमले पर यूक्रेन का हाथ होने का दावा किया। इस यूक्रेन ने बयान जारी करते हुए कहा, हम इस तरह के आरोपों को यूक्रेन विरोधी उन्माद को बढ़ावा देने पर रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में यूक्रेन को बदनाम करने का तरीका है। हमारे देश के खिलाफ रूसी नागरिकों को लामबंद किया जा रहा। रूस में मौजूद US एम्बेसी ने बड़े हमले की आशंका जताई थी, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसी निंदा की थी। पुतिन 18 मार्च को ही 5 बार रूस के राष्ट्रपति बने। इसके 5 दिन बाद बड़ा आतंकी हमला हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हॉल में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। पुलिस दंगा नियंत्रण यूनिट सहित फोर्स की अलग अलग यूनिट मौके पर तैनात है। हेलीकॉप्टर से हॉल के ऊपर लगी आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। रूसी अधिकारियों ने कहा कि मॉस्को के हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। अन्य मॉल और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों की जाँच की जा रही। हमले के दौरान रॉक बैंड का कॉन्सर्ट चल रहा था। मॉस्को के मेयर सगई सोबानिन ने कहा, हमला उस वक्त हुआ जब हॉल में प्रसिद्ध रूसी रॉक बैंड पिकनिक का कॉन्सर्ट चल रहा था। घायलों की मदद के लिए घटनास्थल पर 70 एम्बुलेंस भेजी गई। साथ ही एक टास्क फोर्स संगठन गठन किया गया है। आतंकवादी ऑटोमेटिक हथियारों के साथ बिल्डिंग के एंट्री गेट पर पहुंचे और गोलीबारी शुरू की। जसदीदों के मुताबिक हमलावरों की दाढ़ी थी, उनके पास AK सीरीज के हथियार थे। उन्होंने मेन गेट बंद किया और लोगों को नज़दीक से गोली मारी। अमेरिका दूतावास ने हमले की चेतावनी दी थी। बताया जा रहा कि रूस के मौजूद अमेरिकी दूतावास ने मार्च की शुरुआत में किसी बड़े हमले की चेतावनी दी थी। दूतावास ने कहा था कि जमरपंथी मॉस्को में म्यूजिक कंसर्ट में हमला करने की साजिश रच रहे हैं। दूतावास ने एडवाइजरी जारी करते हुए रूस में मौजूद अमेरिकी नागरिकों से अगले 48 घंटों तक किसी भी बड़ी सभा में नहीं जाने को कहा है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के दूतावास हमले की चेतावनी दिए जाने की निंदा की थी। व्हाइट हाउस के राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार जॉन किर्बी ने कहा कि फिलहाल ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते। हमले की तस्वीरें बहुत भयानक है। 2009 में बना था क्रोकस सिटी हॉल। क्रोकस सिटी हॉल को साल 2009 में क्रोसनोग्राफी में बनाया गया था। इसमें 3 अलग अलग ऑडिटोरियम हैं, जिसमें एक की क्षमता 7,000, दूसरे की क्षमता 4,000 से अधिक लोगों की है। इसमें एक थिएटर भी है जिसमें 3,000 लोग बैठ सकते हैं। क्रोकस सिटी हॉल में साल 2013 में मिस यूनिवर्स
प्रतियोगिता भी हो चुकी है। क्रोकस सिटी हॉल में क्षेत्र में सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय संगीत स्थलों में से एक है। रूस में हुए आतंकी हमले अक्टूबर 2002 में आतंकवादी ने मॉस्को थिएटर में लगभग 800 लोगों को बंधक बना लिया था। दो दिन बाद रूसी फ्लो 11 चेचन्या फाइटर्स को मार गिराया था। साथ ही बंधक बनाए गए 129 लोगों को भी मौत हो गई थी। सितंबर 2004 में लगभग 30 चेचन्या फाइटर्स ने साउथ रूस के बेसलान में स्कूल के सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया था। इस घटना में 330 अधिक मौत हुई थी, जिसमें आधे से ज़्यादा बच्चे थे। 2017 में पीस सेंट पीटर्स मेट्रो के विस्फोट में 14 लोगों की मारे गए थे। सोची ओलंपिक से ठीक पहले 2013 में बेलोग्राड में आत्मघाती हमलावरों ने 34 लोगों की हत्या कर दी थी। साल 2011 में मॉस्को में डोमो डेडाओ एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमलावरों ने 30 लोगों की हत्या कर दी थी। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी इसी तरह की जानकारी देखने के लिए जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले कंटेंट में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।